बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है, जहां बाढ़ ने एक बार फिर कोहराम मचा रखा है। चारों तरफ नदियां उफान पर हैं और निचले स्तरों पर पानी भर चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि दरभंगा के बस स्टैंड में बाढ़ का पानी घुस आया है। बता दें कि दरभंगा में दिल्ली मोड़ पर बस स्टैंड में पानी बाढ़ का घुस आया है, जिसमें काफ़ी परेशानी सवारियों को भी हो रही है। वहीं दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। दरभंगा में जिले में बाढ़ का पानी धीरे धीरे शहरी इलाकों में प्रवेश कर रहा है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अब बाढ़ का पानी दरभंगा के करोड़ों की लागत से बनी आधुनिक बस स्टैंड में घुस चुका है। इससे एक ओर जहां बस संचालकों की समस्या बढ़ गई है, वहीं यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। दरभंगा में नदियां उफान पर है, इसकी वजह से जिले के कई प्रखंडों समेत शहर में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। शनिवार से ही धीरे धीरे दरभंगा बस स्टैंड में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। अब पानी घुटने भर तक पहुंच गया है, इसकी वजह से यहां बसों के परिचालन में काफी परेशानी रही है। यहां पानी अभी भी बढ़ रहा है, आगे इसी गति से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बसों का परिचालन ठप हो सकता है। अभी तत्काल NH-57 से बस का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन बस संचालकों की माने तो पुलिस NH जाम हो जाने के कारण वहां भी भगा देते हैं। ऐसे में दुकानदार से लेकर बस संचालकों के साथ यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। देखिए बस स्टैंड से जो विशेष कवरेज है, सभी जगहों पर बाढ़ का पानी घुस आया है। इंटरव्यू सुनाते हैं स्थानीय दुकानदार का। सबसे बड़ी बात बता दें कि इस बस स्टैंड की बात करें तो आधुनिक बस स्टैंड बनाया गया था और अभी भी बैठने के लिए ठीक से जो यात्री हैं उनके लिए नहीं है। खासकर सड़क की बात करें तो यहाँ पर सड़क का भी निर्माण ठीक से नहीं हुआ है। बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से, जहाँ पर नवनिर्मित आधुनिक बस स्टैंड दिल्ली मोर में बाढ़ का पानी घुस आया है। कल जैसो सुबह में जैसो धीरे 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 जैसो बढ़ते जैसे शाम तक जैसो पूरा फुल हो गया सर पानी, और पानी बढ़ने का ही संभावना है सर, घटने का संभावना यहाँ पर नहीं है सर। हम लोग जैसे ठेला पर सर दुकान लगाते हैं पानी का सर, तो हम लोग तो सर बेरोजगार हो गए सर। अब तो जैसो क्या कमाएंगे सर, आप तो देखिए रहे स्थिति बस स्टैंड का सर। और हाँ, कैदराबाद में जो सर बस स्टैंड था वही बेहतर था, ई बस स्टैंड सर बेहतर नहीं है सर, उससे भी सर खत्म है बस स्टैंड। तो आप सर बेरोजगार हो गए, आप गाड़ी घोड़ा तो लगता ही नहीं है सर, पूरा दुकान देखिए उखड़ गया सर। पैसेंजर को बैठने का जगह नहीं है सर, तो हम लोग क्या कमाएंगे या क्या खाएंगे सर, हम लोग तो आप भटक रहे हैं सर। यहाँ पर 500 आदमी सर जैसे कमा के खाता था सर, गरीब आदमी सर राहत मिलता था, अब क्या सर बताइए। अब तो सर बेरोजगार हो गया सर। कितना पानी है अभी? पानी सर अभी देख रहे हैं सर, अभी यहाँ आगे बढ़िएगा सर, यहाँ आएगा सर, भर्त होना जी सर, घुटना से ऊपर जाएगा सर। कंडक्टर है, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? सर स्टैंड के अंदर में पानी भरा हुआ है, मान लीजिए लगाने के लिए तो कहीं सुखल जगह चाहिए गाड़ी घोड़ा के लिए। बाहर लगाइए तो थाना पारिवारिक वहाँ से डंटा मार के भगाता, कहता अंदर ले जाओ अंदर ले जाओ। मजबूरी में सर तो गाड़ी अंदर लाना ही पड़ेगा, पानी वो गाड़ी खड़ा है सर, हम लोग भी पानी में हैं, बाहर कहाँ रहेंगे रोड पर। थाना पारिवारिक अलग मारता है, उधर कहता अंदर ले जाओ अंदर ले जाओ, रोड खाली करो, कहाँ लगावे सर।
पैसेंजर का सर स्थिति बहुत खराब हो गया। एक तो इसमें पानी भरा हुआ, कोई पैसेंजर यात्रिक नहीं आना चाहता है। दूसरी बात कि यहाँ स्टैंड वाला है, जब से कोई पैसेंजर का रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। जरा सा भी बारिश होता है तो यात्री के गाड़ी गाड़ी में घुसता है, कहीं बैठने का जगह नहीं है पैसेंजर को। तो सर आप देखिए रहे हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, बोलिए। पानी कितना है अभी? पानी अभी सर बहुत ठहना है स्टैंड के अंदर में, अभी पानी बढ़ रहा है। उम्मीद है कि बेसिए होगा, पानी कम तो नहीं होगा।